इन दिनों भयंकर गर्मी पड़ रही है। गर्मी से राहत पाने के लिए तीन दोस्त पश्चिमी यमुना नहर में नहाने के लिए पहुंचे। तीन दोस्तों में से दो ही दोस्त नीचे यमुना नहर में नहाने के लिए उतरे, लेकिन कुछ देर में ही दोनों दोस्त पानी में डूब गए। तीसरे दोस्त ने यह सारी जानकारी परिवार को दी, जिसके बाद बच्चों को ढूंढने के लिए लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई। सूचना पुलिस को दी गई। शहर थाना पुलिस और हमीदा चौक की पुलिस भी मौके पर पहुंची और बच्चों को ढूंढने में लग गई। पुलिस ने तुरंत इसकी सूचना गोताखोरों को दी, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। डूबने वाले किशोरों के परिवार वालों ने बताया कि वो अपने दोस्तों के साथ घर से निकले थे, उसके बाद उन्हें नहीं पता कि क्या हुआ। उन्हें फोन पर सूचना मिली थी और सब यहाँ पर पहुंच गए। करते हैं लड़के, पढ़ते हैं बच्चे, काम करते हैं वहाँ पे। हाँ और दोस्त है साथ उसके, कैसे आप क्या पता लग रहा है, पैर फिसला या क्या? कौन आया हमें भी ऐसे गंभीर आया, क्या कौन आया था कौन आया बेटा? हमीदा चौक के इंचार्ज दौलत राम ने बताया कि उन्हें जैसे ही किशोरों के डूबने की सूचना मिली, वो टीम के साथ मौके पर आए हैं। जानकारी के अनुसार सुमित व सौरभ कैंप के रहने वाले हैं और वो नहाने के लिए नहर में उतरे थे। इस दौरान वे पानी में बह गए। दोनों की उम्र 15 साल बताई जा रही है। गोताखोरों द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बार बार अपील भी की जाती है, लेकिन फिर भी ऐसे हादसे हो जाते हैं। बच्चों के परिवार वालों को चाहिए कि वो ध्यान रखें कि बच्चा घर से निकल रहा है और कहां जा रहा है, ताकि ऐसी कोई घटना ना हो। नहर किनारे जगह जगह चेतावनी बोर्ड भी लगाए गए हैं, लेकिन लोग नहर में नहाने के लिए पहुँचते हैं। ऐसा है, हमारे को चौकी में 4 बजे सूचना मिली थी कि दो बच्चे नहर में डूब गए। जिस सूचना पर हम यहाँ पहुँचे थे, तो मेरे को पता चला भी फिर यहाँ आके भी एक तो सुमित है, एक सौरभ है, जो यहाँ नहाने के लिए आए थे। बच्चे नहाते नहाते डूब गए और तलाश अभी जारी है, अभी डेड बॉडी उनकी मिली नहीं। किसे 15-16 साल के। मेरी तो यही अपील है अभी भाई, मैं तो बार बार मैं सारा दिन चक्कर लगाता हूँ, बहुत बार इनको मना भी करता हूँ, बहुत बार धमकाता भी हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चुप रह जाती है। मेरी यही अपील है अभी भाई, ना आए यहाँ नहाने के लिए, लोग नहाने के लिए आते हैं, अभी ना आए, ऐसा ना करें भी फिर बाद में बड़ा पछतावा आता है। ये कोई पहला मामला नहीं है जब नहर में डूबने से बच्चों की मौत हुई हो। इससे पहले भी कई बार ऐसे हादसे हो चुके हैं। प्रशासन भी बार बार लोगों से अपील करता है कि नहर में नहाने के लिए ना उतरें। नहर किनारों पर चेतावनी बोर्ड भी लगाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग यहाँ पर नहाने के लिए पहुँचते हैं और हादसों का शिकार हो जाते हैं। हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें सिटी लाइफ हरियाणा। फेसबुक पर भी हरियाणा की हर अपडेट के लिए सिटी लाइफ हरियाणा पेज को लाइक करें।